भामला फाउंडेशन चौकाचं उद्घाटन झालेलं आहे. मी भाई साहब आप लेफ्ट में जाइए ना प्लीज. लाइट मोबाइल ताई ताई आसिफ भाई. यानंतर सर्व मान्यवरांनी समोरच्या बंगल्यामध्ये एक छोटासा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपा करा आज जो इथे आपण हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे त्या कार्यक्रम आज आपण दिवस पाहतोय त्यासाठी ज्यांनी अविरत सहकार्य केलं ते या विभागाचे लोकप्रिय कार्य सम्राट आमदार आशिष शेलार साहेब, नगरसेविका अलका केलकर मॅडम, या विभागाचे वॉर्ड ऑफिसर शरद उगाडेजी, सर्वांचा मनपूर्वक धन्यवाद. चौक का नाम भी कितने दिन एक वापस ऐसा लो ना आराम से अरेंज करिए करो ना. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की भामला फाउंडेशन या संस्थेच्या भामला फाउंडेशन या संस्थेच्या सर्व मान्यवरांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो. श्री पार्थ पवार साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही भामला फाउंडेशनच्या वतीने मी स्वागत करीत आहे. अच्छा, ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की समोरच्या बंगल्यामध्ये आम्ही छोटेखाने कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तिथे सर्व अच्छा, कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आदित्य ठाकरे साहेब यांना विनंती कर. समाज के साथ लेते लेते आज वो एक नाम सुनहरा नाम बन चुका है, वली मोहम्मद भामला जी. एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न जाने कितने काम ऐसे किए कि जो हम लोगों को पता नहीं. हम लोग तो बहुत छोटे थे पर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो उन वली भामला जी हो और हमारे बहुत ही अजीज आसिफ भामला जी जिन्होंने अपने पिताजी के नाम को अपने पिताजी के काम को आज इस अंजाम तक लेकर आया है कि जो छोटी सी शुरुआत वली मोहम्मद साहब ने जो की थी उसको आगे तक लेके जाने की जो चाह आसिफ भाई ने हमेशा दिखाई है. एक लगाव जो लोगों के लिए रहा है, अपने अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को कैसे और प्रभाव करना, उनके जीवन में कैसी रोशनी लाना, अब समाज में कैसी रोशनी लाना, उसका काम सही करने की मिसाल अगर कोई दी जाती तो वो आसिफ भामला साहब हमारे बड़े उसकी मिसाल है कि उन्होंने अपने. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल फिदाया और मेरे साथ है अकबर खान जी जो यहाँ पर आसिफ भामला जी के वालिद साहब के जो नाम पर जो चौक का इनॉग्रेशन हुआ उसके लिए वो हाज़िर हुए. अकबर जी क्या कहना चाहोगे वालिद साहब के लिए, आसिफ भामला जी के लिए? मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि आज से ज़्यादा खूबसूरत सुबह मेरे ज़िंदगी में शायद नहीं आई. आज का ये संडे मेरे जहन में एक खुशी और एक मकसद और एक किसी के ख्वाब का इजहार करने का वो दिन है जहाँ पर मैंने एक मंच पर इतने सारे क्रॉस लीडरशिप पॉलिटिकल हेड्स एक मंच पे एक साथ होकर आसिफ भाई को कंधे से कंधा देकर उनके काबिलियत, उनके कोशिशें और उनके वालिद साहब के सपने को जो आगे ले जा रहे हैं उन्होंने जिस अंदाज से उनके बारे में बयान किया उससे इससे साफ जाहिर होता है कि आसिफ भामला एक बहुत ही नेक इंसान हैं, नेक अखलाक के हैं, नेक मकसद के हैं और उनका रवैया शायद ज़िंदगी में सिर्फ इंसान और इंसानियत को
सर्व करने का है और उनके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ये जाहिर होता है जब कभी वो टेलीविज़न पे एज एन एंकर आते हैं, एज ए स्पोक्स पर्सन आते हैं, कभी वो गैर जिम्मेदार किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं देते, हर तरह से वो एनालाइज करते हैं, बारीकियों को तोलते हैं और देश को, लोगों को इकट्ठा करने की स्पिरिट उनमें कायम है और शायद इसीलिए ये बामला फाउंडेशन जिस अंदाज से वो उनके वालिद साहब के सपने को, उनके सौराट को, उनके सारे कोशिशों को जो आगे ले जा रहे हैं, तो उनकी रूह यकीनन बहुत ही खुश होगी और इस तरह के बेटे हर एक बाप को नसीब हो जो अपने बाप का नाम रोशन करते हुए अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं। मैं आसिफ बामला को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और यकीनन ये चौक एक निशान होगा एकता का, दोस्ताना का और एक खूबसूरत महाराष्ट्र के वातावरण का। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल फिदाय और मेरे साथ है कांग्रेस के नेता कय्यूम तंबोली जी, जो यहाँ पर आसिफ भामला जी के वालिद के नाम पर जो चौक का उद्घाटन हुआ उस पर शरीक हुए हैं। क्या कहोगे कय्यूम भाई? मैं सबसे पहले बात यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांद्रा के रहवासियों को कि एक बहुत बड़ी हस्ती जो बहुत बड़े यहाँ पे जो वली मोहम्मद साहब जो थे, भामला साहब, आसिफ बामला के जो वालिद साहब थे, इनके नाम पे दिया, एक बड़ी हस्ती का नाम इस चौक पे दिए। ये बांद्रा के लोगों के लिए खुशनसीबी है और मेरी भी खुशनसीबी कि आज मैं यहाँ पर एक हमारे इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, इस ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ मैं, बैंड्रा से भी, सेंटा से भी, तो यहाँ पे एक नामकरण अगर प्रोग्राम हुआ है तो मेरी खुशनसीबी है और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आसिफ बामला को खासतौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी पक्षों के, सभी जाति के, सभी धर्मों को, लोगों को एक यहाँ पे जमा करके एक हिंदुस्तान जैसा मेरा भारत महान वाला मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है, आज सभी को जमा करके। आसिफ भाई को हमेशा हम देखते हैं कि वो मतलब कामों में काफ़ी आगे रहते हैं, पार्टी तो है ही मगर यू नो सभी को साथ में लेकर चलते, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है एक्चुअली कि एकता का प्रतीक जो होता है जी, इनके बारे में कुछ उस... नहीं, आसिफ भाई एक बहुत ही मतलब दिलदार इंसान है, मोहब्बती इंसान है, सभी को लोगों को जोड़ने का काम करते हैं वो और उनकी खास बात ये है कि कभी भी उनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है वो कोई पार्टी को या किसी जाति या धर्म को देखते नहीं है, सभी लोगों को जमा करना और यहाँ पे आपने आज देखा होगा कि सभी पक्ष के लोग यहाँ पर आए, बीजेपी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, हर लोगों, शिवसेना, हर पार्टी, हर पक्ष के लोग यहाँ पर आए और ये आसिफ बामला से मोहब्बत करते हैं लोग, सबसे बड़ी बात है और यहाँ पे लोगों का काम करते हैं वो और लोगों के अंदर मेल जोल रखा हुआ है, ये उनकी खासियत है उनकी। ओके, थैंक यू, वेलकम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल फिदाय और मेरे साथ है आसिफ भामला जी, जिनके वालिद के नाम पर ये जो चौक का उद्घाटन हुआ, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड ऑल द नियर एंड डियर वंस, व्हाट हैव टू से? बस आई एम अ लिटिल इमोशनल बिकॉज मैंने कभी तसव्वुर नहीं की थी, संकल्पना नहीं की थी, हमारे कई दोस्तों के वालिदों के लिए मैंने चौक पास हो इसकी कोशिश की थी और उसमें हम कामयाब भी हुई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये इरादा रखेगा कि मेरे वालिद के लिए को ऐसा चौक बनना चाहिए और माशाल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तमाम लोग, हर सियासी दल के लोग एक साथ एक पायदान पर आएँ और सब ने ये प्रपोज़ किया कि नहीं आसिफ जी, आपने जो काम किया है, आपके वालिद ने जो काम किया है अखिलियतों के लिए हो, चाहे मस्जिद मदरसों के लिए हो, चाहे गरीब लोगों को किताबें तकसीम करना हो, बेवाओं को का जो सालाना भत्ता देने का की बात हो और अन्य ऐसे काम जो है हज उमरा पर लोगों को भेज, तो आपके वालिद ने जो अच्छा काम किया उसका सवाब ज़ाहिरा होना चाहिए और उसमें हम सब हिस्सा लेना चाह रहे हैं और बस इसी तरीके से सारे लोग जुड़ गए, आ गए और मुझे अचानक एक दिन से फ़ोन आया कि भाई महानगर पालिका ने इस चौक को अप्रूव किया है और इस चौक का नाम मेरे वालिद के नाम हो रहा है, तो एक बेटे को अपने बाप का रोशन नाम और चमकता हुआ नाम एक बांद्रा की इतनी हाई प्रोफाइल सड़क पे होते हुए देखने से तो मैं फ़ख्र नहीं कहूँगा क्योंकि ये शब्द गलत होता है, लेकिन रूहानी, जिस्मी और दिली खुशी होती है और आज मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और मेरे वालिद के अच्छे कामों को सलाम देता हूँ, उनकी नेकियाँ हैं, उनके अच्छे काम हैं और जो रास्ता उन्होंने हमें बता कर गए, जो मार्ग उन्होंने हमारे लिए तय किया,
कि भाई पर्यावरण के विषय में आपने काम करना चाहिए, आपने अच्छाई के काम करना चाहिए, आपने क्लीनलीनेस के विषय को काम करना चाहिए। इसलिए आज विश्व में, आज यूनाइटेड नेशन ने हमारी फाउंडेशन को अवार्ड से सम्मानित किया, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे कैंपेन को लॉन्च किया, और हमारे जो प्लास्टिक का जो हमारा जो सबसे बड़ी लड़ाई थी उसमें हमें सहयोग मिला। आज सारे लोग आए, आदित्य ठाकरे जी आए, पूनम महाजन जी आए, और सबसे बड़े मेरे बहुत ही जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, आदरणीय डी वाई पाटिल साहब आए, पार्थ पवार आए, तो कई सारे लोग आए, और इतना खूबसूरत मजीद मेमन साहब आए, मैं इतने नाम में कई भाई जगताप आए, आपके आशीष शेलार, पूनम महाजन जी, प्रताप सरनाइक, कई सारे हमारे दोस्त लोग सारे पार्टियों के से अलग और अलग और ऊपर उठकर सारे लोगों ने आज शिरकत की, मुझे दुआ दी है। और बस मैं तो कहूँगा यही कि मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद के लिए दुआ करिए कि उन्हें जनरल फिरदौस में आला मकाम नसीब हो। ये उन्हीं का सरमाया है जिससे हमें लेके आगे जाना है, और वो जो ख्वाब और संकल्पना उन्होंने देखी उसे मैं पूरा करने में कामयाब हूँ, यही बात की। लास्ट क्वेश्चन, आप यू नो आप ऐसे माने जाते हो कि यू आर द पर्सन, इट्स यू नो वर्क स्पीक्स, जो आपका काम हमेशा रहता है, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, बट वी हैव सीन कि यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग आला आला अधिकारी लोग थे, हाउ डज दैट फीलिंग इज देयर, यू नो लाइक इट मेक्स यू प्राउड, वी आल्सो प्राउड एंड यू बीन डूइंग यू नो एवरीथिंग फॉर द सोशल कॉज, पार्टी इज ऑलवेज एट द साइड बट योर एजेंडा इज ऑलवेज टू वर्क फॉर सोशल कॉज। देखिए पार्टी और विचारों का अंतर होना चाहिए, दो सगे भाइयों में भी होता है, आप देखोगे वो इसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन जब अच्छे काम होते हैं, बांद्रा से हमने ये परंपरा शुरू की कि जिसमें हमने देखा, आपने देखा कांग्रेस भी एक मंच पे, शिवसेना भी मंच पे, और पर्यावरण के लिए आप तस्वर नहीं करोगे, मुझे सामने से लोग फ़ोन करते कि आसिफ जी हमें किस तरीके से हम आपकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, हम पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, अभी हमने LED लाइट्स स्लम्स में मुहैया कराने का प्रोग्राम हमने लिया, हमने जो कंपोस्टिंग ऑफ गार्बेज है, वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज की कंपोस्टिंग का हमने काम लिया, तो ऐसे कई सारे जो काम थे ना, जो जिसके लिए मुझे सामने से लोग, और लोग जानते हैं कि भाई मैं एक अलग पार्टी से हूँ, हमारी विचारधारा अलग होगी, मैं शायद TV पे भी कई बातें अलग करूँगा, लेकिन कहते हैं ना मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और आज इस प्रोग्राम से एक मिसाल कायम हुई कि सारे पार्टी जो है एक अच्छे काम के लिए अपने अपने सोच का फ़र्क, अपने इरादों का फ़र्क अलहदा रख के यहाँ एक साथ मुझे प्यार देने के लिए इकट्ठा हुए, और ये आज पहली बार नहीं, कई बार करते रहे और देते रहे, और मैंने हमेशा से कहा कि भाई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से बैर नहीं रखता, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, यही मेरे वालिद ने सिखाया, आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी बातें और उनकी यादें हैं जो हमें लेके चलना है। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच, दुआ करते हैं आसिफ भाई कि हमेशा आप ये इस तरह का काम करते रहो, अप्रिशिएट, और थैंक यू वेरी मच।